नमस्कार मेरे सभी भाइयों का, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मेरी खेती मेरा भारत में। तो आज मैं आपको बताऊँगा एसीटा माइप्रिड 20% SP की संपूर्ण जानकारी, डोज, मोड ऑफ एक्शन और ये किन फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है और रेट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज जो मेरे पास है वो है HPM कंपनी का एसीटा माइप्रिड 20% SP बादशाह इंसेक्टिसाइड। ये मेरे पास HPM कंपनी का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। टेक्निकल ये रहना चाहिए, टेक्निकली मैन रहता है कंपनी और ब्रांड नेम कंपनी के हिसाब से ब्रांड नेम रहता है। तो अब इसके जैसे फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसमें जो है C10 है, H11 है, CINA4 ये है फॉर्मूला है। इसे अगर बारीक तरीके से जब तोड़ा जाता है मतलब, तो इसका जो आपको इसकी टेबल आती है उसको समझना पड़ता है, उसके बाद ये समझ आ जाता है। तो इसके बाद हम इसके जो बात करते हैं ये किस तरह मोड ऑफ एक्शन किस तरह ये काम करता है। तो ये इसका जब छिड़काव होता है फसल में तो ये ट्रांसमेलिनार तरीके से इसका काम करता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, इसका जो छिड़काव हुआ फसल पे उसके बाद फसल पे पत्तों पे ये फैल जाता है दोनों तरफ। जैसे ही कीट फसल को चोखने या उसको जैसे खाने के लिए या कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए आता है तो ये कीट के नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक करता है। जैसे ही कीट उसे मतलब खाने की तौर पे लेता है तो ये दवाई डायरेक्ट कीट के नर्वस सिस्टम पे अटैक करके कीट को नष्ट कर देती है पूरी तरह से। तो इसके जो बात करें इस किन फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका अपन उपयोग कर सकते हैं अंगूर, अनार, मिर्च, आलू, लहसुन, टमाटर, खीरा, प्याज, तरबूज, लौकी, सोयाबीन, कपास जैसी फसलों और सब्जी वर्गीय फसलों में ज़्यादा इसका स्प्रे होता है। तो इन फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो ये किन कीटों पे इसका वो सही मतलब किन कीटों को ये नष्ट करेगा, तो ये आप थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई, ब्लैक फ्लाई, माहू जैसे कीटों पे इसका बढ़िया रिजल्ट और नष्ट कर देता है सब्जी वर्ग की फसल और जो मैंने वो फसलें बताई हैं उन फसलों पे। तो और इनका इसका जो डोज़ है मेरे पास ये 20 ग्राम का है, तो ये 20 ग्राम का आप एक पंप 25 लीटर के पंप में डाल के इसका स्प्रे कर सकते हैं और एकड़ पे आप इसको लगभग 60 से 80 ग्राम एकड़ इसका स्प्रे कर सकते हैं, 60 से 80 ग्राम एकड़ इसका स्प्रे कर सकते हैं। और ये मेरे पास एक पंप का पाउच है। और अब इसके मार्केट प्राइस की अगर अपन बात करें तो आप किसी भी कंपनी का लें आपको लगभग ये 40 से 50 रुपए 20 ग्राम का जो पाउच है, 20 ग्राम का पाउच लगभग इसी रेट पर पड़ेगा 40 से 50 रुपए का 20 ग्राम का। और ये मेरे पास HPM कंपनी का, आप किसी भी बढ़िया कंपनी अच्छी सी कंपनी का ले सकते हैं, आप HPM का भी ले सकते हैं, इसका भी बढ़िया आता है। आप जब भी आपको ये हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहीं मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं नया शुरू किया है मैंने ये चैनल। धन्यवाद।